और सियारिन की कथा। इस कथा के अनुसार नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम था मलयकेतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुस्थली थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जमुद वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों ने व्रत रखा, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थली में किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा के साथ अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया और शीलवती का विवाह बुद्धिसेन के साथ हुआ। वहीं सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जमुद वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जमुद वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उनके धड़ के साथ जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भिजवाए थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जमुद वाहन की कृपा से शीलवती को पुनर्जन्म की सारी बातें याद थी। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। प्रत्येक वर्ष पितृ पक्ष के मध्य में आने वाले इस व्रत में अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए माताएं अपने पूर्वजों और जमुद वाहन को सरसों के तेल और खली चढ़ाती हैं। इस व्रत से जुड़ी कथा की चील और सियारिन की मिट्टी का गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती है और उन्हें चूड़ा दही चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरे विधि विधान से जमुद वाहन की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सभी जन मिल के बोलो भगवान जमुद वाहन की जय। पुत्र का व्रत कथा। भगवान जमुद वाहन का ध्यान करते हुए उनसे अपने संतान की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए भक्ति पूर्वक कथा का श्रवण करें। जीवित पुत्र का व्रत कथा जमुद वाहन से जुड़ी है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जमुद वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जमुद वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको सिंहासन पर बिठाया, किंतु उनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जमुद वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जमुद वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा।
आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्य शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जम्मूदवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जम्मूदवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जम्मूदवाहन से उसका परिचय पूछा। जम्मूदवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने उसकी बहादुरी और दूसरों के प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जम्मूदवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जम्मूदवाहन की पूजा की प्रथा चली आ रही है। सभी जन मिलके बोलो भगवान जम्मूदवाहन की जय, पक्षीराज गरुड़ की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा के अनुसार इसका संबंध महाभारत काल के युद्ध से भी मिलता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने अश्वस्थामा नाम का हाथी मारा और अफवाह फैला दी कि अश्वस्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था वो मारा गया। चारों तरफ यह खबर फैली। इस खबर को सुनकर अश्वस्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अपने अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण प्रतिशोध के लिए अश्वस्थामा ने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वस्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वस्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। इसके फलस्वरूप गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो गया, जो बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाने लगा। सभी जन मिलके बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और जयकारा लगाने वाले सभी का भगवान श्री कृष्ण कल्याण करे।